ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसपे मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूंगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अभी फ़िलहाल सिचुएशन में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एंड देन आई विल मेक पुल सम लव मैसेजेस उनकी तरफ से लव मैसेजेस निकालेंगे एंड फाइनली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। सो जितनी आपसे जनरल रीडिंग है, सो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लेना, कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है या बहुत बार आए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई रिक्वेस्ट यू। और जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव नोट पे, ठीक है। सो जेमिनाय कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हों। और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स पे एक रीडिंग बनाते हैं। सो करंट फीलिंग्स ऑफ जेमिनाय पार्टनर, आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। सो जेमिनाय, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है फिलहाल, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा हैंग हो गए हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्हें शायद अपने अंदर एक वो हिम्मत लानी होगी जो अभी तक शायद उन्होंने दिखाई नहीं आपको। आप भी सोचते रहते हो कि शायद ये मेरे तरफ आगे तो बढ़े, तभी तो मैं भी कुछ करूं। मे बी उनको अपने घर पे लोगों से बात करनी है, अपने रिलेशन की, या कि मेरा या आपको कमिटमेंट देने के लिए स्ट्रेंथ दिखानी है, या मे बी इस रिलेशनशिप में अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, या एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो कि शायद मुझे दिख रहा है वो शायद नहीं ले पा रहे। और क्योंकि स्ट्रेंथ से ही दिख रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, जबकि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो उनको करना है, अकम्प्लिश करना है, ख़त्म करना है, और वो ना ही लेफ्ट जा रहे हैं ना ही राइट जा रहे हैं, वो बस एक ही जगह पे, एक ही सड़क के एक ही किनारे पे खड़े हो गए हैं ज़िंदगी के, और समझ नहीं पा रहे जेमिनाय, ये दिख रहा है। इंटेंशन वाइज भी मैं अगर देखूँ सो क्या है उनकी इंटेंशंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। सो देखिए, इंटेंशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इंटेंशंस मुझे उनकी अच्छी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके साथ जो भी करना चाहते हैं, एक तो आपको हर चीज़ क्लियर बताना चाहते हैं, आपके साथ कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते, आपको क्लियर क्लैरिटी रखना चाहते हैं, हर चीज़ आपके साथ मिलके करना चाहते हैं। ये नहीं कि आपको लोगों से कोई बात पता चल रही है और फिर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो सुन सुन के कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ये करना था, अच्छा उसने मेरे बारे में ये बोला, वैसी वाली चीज़ें नहीं। सो यू वॉन्ट टू नो, दे वॉन्ट यू टू नो कि आप हर चीज़ पहले से ही जानते हो उनके बारे में, हर एक चीज़ की आपको क्लैरिटी हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सब कुछ पता हो पहले से ही। सो ये चीज़ एक तो वो चाहते हैं, और आपको ओपन कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं, मिलकर आपके साथ चीज़ें करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि आप लोगों का, दोनों का जो ये एक बॉन्ड है या जो आप लोग एक दूसरे के साथ हैं वो हमेशा बना रहे, ये चीज़ की वो मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो जेमिनाय, मैं आपको बताऊँ, दो रीडिंग्स आउट ऑफ द 12 मैंने टू रीडिंग्स ही आज अच्छी आई हैं फॉर द करंट फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर, एक कैंसर और एक जेमिनाय। आई डोंट नो बाकी सबके पार्टनर्स को क्या हुआ, बट बिल्कुल भी अच्छी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसी रीडिंग्स हैं, करते 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 मुझे ही मतलब बहुत सैड हो गई मैं। बट जेमिनाय और उस कैंसर के पार्टनर्स आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छे जोन में है अभी फ़िलहाल, अच्छी रीडिंग्स आई हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट सब अच्छा फील कर रहे हैं। सो लव मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस जेमिनाय आपके पार्टनर के क्या हैं, आपके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। सो यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, आपको बहुत क्यूट समझते हैं वो, एंड यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो आप हमेशा उनकी सक्सेस के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं। जेमिनाय वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं,
यू आर फनी, आप बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, उन्हें हंसाते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं। सो बहुत ही गुड फीलिंग्स हैं और आपके बारे में मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं जेमिनी, क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस फॉर जेमिनी राशि क्या है, मिथुन राशि के लिए क्या है। सो एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, सो शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। सो आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं जेमिनी, जो भी मिथुन राशि, आपके पास लाइफ में गुड, जो भी डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है जिन चीज़ों से, आप उन्हें ग्रेस के साथ शेयर करें। और आपके पास अगर आप अच्छाई शेयर करेंगे लोगों के साथ अपनी, सो आपकी तरफ भी प्यार और इंस्पिरेशन वापस आएगा, ठीक है। अगला है माँ काली का, फेसिंग द फियर्स, सो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, देयर इज़ अ चांस टू सोर। सो बेसिकली बहुत सारे स्पिरिचुअल बदलाव आपकी ज़िंदगी में, कहीं शायद हो सकता है कि भगवान आपको अपने आप से कनेक्ट करने का एक रास्ता दे रहे हों, तो आप अपने जो भी आपके फियर्स हैं, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा कोई एन्जाइटी, स्ट्रेस, फियर्स हैं, तो उन्हें फेस करें और स्ट्रांग बने अपने आप को। ये जीवन में ऊंचा उठने का समय है, थोड़ा सा चैलेंजेस को अपनी तरफ आने दें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपकी रीडिंग जेमिनी, होप आप इससे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पाए, कुछ क्लैरिटी मिली हो आपको इस रीडिंग से। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें, क्लेम करें। सो बाय फॉर नाउ।